ऑल बहुत दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सीजन स्टार्ट हो गया और एक्साइटमेंट लेवल हाई होती है हमारे इस टाइम में. सो उसके साथ साथ ही कुछ नया है हमारे पास. आज हम कुछ नया कर रहे हैं. नया तो ये रहेगा क्योंकि आज जिसके साथ मैं काम करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत लोग जानते हैं उन्हें, तो थोड़ा सा सरप्राइज़ है आपके लिए. थोड़ा सा आगे तक देखते रहिए ताकि आपको समझ में आए कौन है. वो सेलिब्रिटी है बट सेलिब्रिटी बाहर के लिए, हमारे लिए फैमिली मेम्बर है. तो देखते हैं आज का हमारा शूट कैसे होने वाला है उनके साथ. प्लान तो बहुत कुछ किया हमने बाहर आउटडोर शूट का, पर पता नहीं प्लान कितना सक्सेस हो रहा है. बट उम्मीद करूँगी कि हो जाए और हमें कुछ अच्छा मिल जाए ताकि मेरे पेज के लिए भी अमेजिंग सा हो. बहुत दिनों से मेरी चाह थी, सो आज मेरी इच्छा पूरी होने वाली है. सो चलते हैं हमारे आज के सरप्राइजिंग फिक्स के लिए. जैसे कि मैंने आपको कहा कि सरप्राइज़ है, सो सरप्राइज़ रिवील करने से पहले इनके बारे थोड़ी सी खासियत बताना चाहूँगी. आज सुबह ठीक 5:30 बजे उनका कॉल आया था कि दीदी हम करने वाले थे ना, और मैं लिटरली सोई थी. मुझे इतना बुरा फील हो रहा है. मुझसे पहले मैम उठ गए थे और रेडी हो गए थे नहा धो के, तो मैं लेट आई हूँ, 6:30 बजे आई हूँ और मुझसे पहले मैम के कॉल बुला के गए हैं. तो ये है हमारी आज के मैम. देखिए कौन है लोग जानते हैं. और साइली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, पता नहीं क्यों करती पर करती है. थैंक यू सो मच साइली. और इससे बहुत लोगों को खुशी भी होती है. बहुत लोग बेचारे बोलते यू आर सो लकी कि साइली तुम इतना सपोर्ट करते. सो आई एम सो लकी. थैंक यू सो मच साइली. बस अभी बाय द वे मैं बताना चाहूंगी कि साइली की मूवी आ रही है. उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, उसमें एक्टिंग भी करी है. बहुत ज्यादा हार्डवर्क करी है बच्ची. सो कीप सपोर्टिंग. और यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो भी, और इसको शेयर करें ताकि ये जो हमारे इंडिया में लोग हार्ड वर्किंग करें उनको भी प्लीज थोड़ा सा ग्रो करें. हाँ वही तो जो भी है मेरी फीलिंग समझ लो. तो हमारा फेस मेकअप हो गया है, हम हेयर स्टाइल की तरफ आते हैं. तो मैम के बाल बहुत सुंदर है, लंबे हैं, तो हमने सोचा इस बार बाल को ओपन ही रखते हैं. ओपन में कोई स्टाइलिंग करेंगे. आप देख रहे हैं हमने बालों का एक लॉन्ग कर्ल किया, बहुत नेचुरल और उनके खुद के बाल है तो बहुत सुंदर सा लग रहा. तो मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना चाहिए, सो मैंने इन्हीं के बालों का कर्ल्स बनाया है. फ्रंट व्यू अच्छे दिखती है आगे से. ये नहीं छूटता है. मैं थक गई हूँ क्योंकि ना बहुत सारे रीजन है. मैं अकेले पड़ गई हूँ, खैर वो दिक्कत नहीं पर अनप्लान था ये शूट, तो बैंगल्स वगैरह हमारे अरेंज नहीं हो पाए थे. सो मैं आखिरी में वो काम कर रही हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. एक्चुअली सब टीम रहते हैं वो कर लेते हैं, तो ठीक है साड़ी के लिए कुछ भी. हाँ मैं जैसी हूँ वैसे तो वो बोले क्या मतलब कैसी हो. बोलो मैं रॉयल हूँ, मैं रॉयल लग रही हूँ. Look down, you're talking to your highness. You can't see me. I'm the reason for your blindness. मेरी सोने की चमकान इतनी है कि आपकी आंखें मिचमिचा जाएंगी. आपकी आंखें चकचा जाएंगी. मिचमिचा जाएंगी मराठी. मिचमिचा जाएंगे. So, मला असं रॉयल ज्वेलरीज खूप आवडतं. मला असं जुन्या काळातल्या राण्यांचा विचार करून असं वाटतं मला की नाही का कसं राहत असेल ना एकदम असं एवढं हेवी ज्वेलरी घेऊन चालायचं. दासी म्हणजे पुरी की पुरी अप्सरा. रुको अप्सरा आली.
साथ में लगे हमारे अप्सरा और उधर क्या देख रहे हो, इधर सामने देखो ना। तुम मुझे ऐसे टाइम में बोल रहे हो सामने देखने के लिए जब मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है। एक्चुअली मुझे आज दासी दासी सा फील हो रहा है रानी साहिबा के सामने। बाकी बहुत सुंदर लग रही है, देखो कितनी ज्यादा सुंदर, इन्होंने एकदम जस्टिफाई किया इस लुक को और बाकी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो ये आउटफिट ब्यूटीफुल सा आउटफिट वैष्णवी का है और ये ज्वेलरीज हमारी आरएसए मेकओवर्स की है और ये लड़की पूरी पूरी हमारी ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिनकी है उनको प्लीज बुरा मत मानना, तो क्योंकि कुछ कुछ हमारी भी है। इशारा काफी है। तो तकरीबन 4-5 घंटे होते आ रहे हैं और मैं उस बीच में बहुत कुछ हुआ है जो मैं इतना डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। सो बहुत ज़्यादा थकान के बाद क्लाइंट के फ़ोन आते रहे, एक दो क्लाइंट आके वापस भी चले गए क्योंकि मैं उसमें बिजी थी और थोड़ा सा हॉशपॉश हो गया। आज वापस आएंगे दो फिर वो क्लाइंट तो कंटिन्यू रहेंगी। अगर मैम की तरफ कैमरा दिखाइए, मैम तकरीबन 4 घंटे से ऐसे ही थोड़ा मटक रही है इनफैक्ट, और उनके मेकअप को कुछ भी नहीं हुआ। मैम मेकअप को कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेकअप बस और सुंदर होते जा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे से सेटल हुआ है। हाँ, बहुत सुंदर हुआ। सो ये मेकअप बहुत अच्छा रहा, प्रूफ रहा कि हमारा मेकअप हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छा हुआ। उनके स्किन ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच आयली मैम। आज मुझे बोलना है आपके बाद कुछ। हाँ, तो एक्चुअली मैंने रिसेंट में जैसे अभी पोनियन सेलन का मूवी जो लुक है ऐश्वर्या राय और त्रिशा का, उस टाइप में मुझे कुछ लुक करना था। और जैसे मैंने आज के फोटोज और ये लुक आप अगर देखोगे तो आपको बहुत रिलेट होगा, मुझे वो ड्रीमी लुक करना था और वो आज हो गया है पूरा। एंड वो मतलब सडन प्लान था लेकिन बहुत बेस्ट हुआ है। सो पिक्चर्स एंड वीडियोस जरूर देखो और पेज को सब्सक्राइब करो, आई मीन चैनल को सब्सक्राइब करो और पेज को फॉलो करो। सो जैसे कि आप देख रहे हो बहुत देर से हम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। एक्चुअली आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, पर ठीक है, मज़ा आता है। मेरी माँ मुझे बोलती थी तेरी जिंदगी ऐसे जाने वाली है। तो एक्चुअली अमेजिंग काम हो रहा है। ये देखिए, ये है वैष्णवी, इनका एग्जीबिशन लगा है औरंगाबाद में। शी इज़ ज्वेलरी डिज़ाइनर, इनफैक्ट उनके पास और भी 2-3 बिजनेसेस की वो क्लोथिंग का भी काम करती हैं। इनका एग्जीबिशन है, तो अगर इससे पहले मेरा वीडियो लॉन्च होगा तो प्लीज़ इनके एग्जीबिशन जाके विजिट कीजिए, ना हो तो अगली बार विजिट कीजिएगा। तो ये सारी ज्वेलरी उनकी खुद की है, तो हमने शूट करना सोचा है तो ज्वेलरी के साथ इनका साउथ इंडियन लुक दे रहे हैं। थोड़ा सा हॉशपॉश में लाइट भी चली गई आज हमारे पूरे एरिया में, लाइट का काम चल रहा शायद से, तो बिजली नहीं है तो हम हेयर को प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। पर हम उसके बिना भी हाउ टू मैनेज और इंडिया में जुगाड़ कैसे करते हैं वो हम लोग सीख रहे। तो स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा, इनको ये एक अच्छा मौका मिला है कि जब लाइट ना हो और वैसे वेन्यू पे आपको काम करना पड़े तो आप क्या क्या कर सकते हो। सो ऑलवेज बी रेडी, प्रिपेयर है हर बात के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और बड़ी बड़ी देशों में छोटी बातें होती ही रहती सैनोरिटा, तो शाहरुख जी की ये चीज़ें हर किसी की याद रखनी चाहिए। और प्लीज़ पर मज़ा आ रहा है, इट्स गुड, आई एम हैप्पी, आई होप ये अच्छा लग रहा होगा। कैसे लग रहा सामने से, अच्छा लग गया? जैसे कि आप देख रहे हैं मैं एक और रेडी कर रही हूँ, मॉडल रेडी कर रही हूँ, तो देखते देखते ही दिन का तीसरा मॉडल है जिसे हम शूट के लिए रेडी कर रहे हैं। सो ये हमारी अपनी सलोनी, तो मैं बोलो तो बहुत दिनों बाद हम इन पर ट्रेडिशनल शूट कर रहे हैं। एक्चुअली चैलेंजिंग है क्योंकि सलोनी मैम ने आज अपने छोटे से क्यूट से बालों के साथ ट्रेडिशनल लुक का डिसाइड किया है, तो देखते हैं आखिर तक लुक कर। जैसे आप देख रहे बाल बहुत छोटे हैं इनके, सो इन्हें में हमें बंद बनाना है, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा और कुछ अच्छा ही होगा। ओहो ज़्यादा हम सब देखो ताचा फिर देखो हम सब ये हमारा अतिशय उतावला असा आमचा फोटोग्राफर हा हा हे कृष्णा तुंगे, सॉरी हे आहेत श्रीमान कृष्णा तुंगे सर, ज्यांना की आम्ही प्रेमाने केटी म्हणतो। तर केटी हा फार आमचा सगळीच माझी फॅमिलीच आहे म्हणा, और हर कोई बहुत सपोर्ट करतो। त्याला सुबह किती वेळ सहाय कृष्णा 6 बजे तो मैं रेडी हो गया आपकी वजह से, 6 बजे तो आपकी वजह से रेडी हो गया। हाँ, शूट पोस्टपोन्ड हुआ और अभी हम कम से कम 8 बजे आया, मैं 8 बजे 8:30 बजे। हाँ, उसके बाद हमने क्या क्या किया है आप बताएंगे सबको?
दीदी ने मेकअप किया। मेकअप करने के बाद में समझो हमने 10 बजे फोटोशूट चालू किया। फोटोशूट करने के बाद में फिर से और एक मॉडल आए, उनके ऊपर हमने फिर से एक मेकअप किया। मेकअप करने के बाद में फिर से हमने शूट किए। अब ये थर्ड मॉडल है, थर्ड मॉडल पे हम शूट कर रहे हैं और शूट चालू है हमारे यहाँ। वो होने के बाद में भी एक केराटिन वाले आए थे, कौन आए थे? केराटिन के लिए भी आए थे, वो केराटिन का भी हो गया। अभी मेकअप चालू है थर्ड वाला। देखो दीदी कितनी मेहनती है, मतलब मॉडल हमारी इनका शूट हो गया अभी। और मजा आ गया, बहुत मजा आया। कल मुझे आउट ऑफ स्टेशन निकलना है और मेरी इतनी सी तैयारी है पर हो जाएगा, बाबा देख लेंगे। अगर बाबा मंजू कौन भोलेनाथ देख लेंगे, हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। सो कल का भी ब्लॉग बनाएंगे ठीक है? ओके सो हम कल का भी ब्लॉग बनाएंगे, सो बने रहिए यार रेशमी को। तो जैसे कि बताया मैंने कि पूरा दिन ही आज हमारा चला गया, बहुत सुंदर शूटिंग हुआ। शूटिंग के बीच में क्लिप्स में डालूंगी। ऐसे मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई है, स्टूडेंट्स भी चले गए और अब आई मेरी सफाई की बारी। तो बाकी तो सब कुछ अच्छा दिखा, ठीक है। जब भी आईब्रोज करवा लेती हूँ और तो आप ऐसे वस्त में भी मेरा शूट लेना चाहेंगे? हाँ, आउटफिट चेंज के लिए, पर कपड़ा गिर खराब हो गया था मेरा तो मैंने चेंज कर दिया। ये मेरे को हंसना नहीं आ रहा बिकॉज मैंने पील ऑफ मास्क लगा, थोड़ा सा कुछ बना रही हूँ। थोड़ी सी हल्की सी भूख लगी है तो वो खाने का थोड़ा सा आ रही है और थोड़ी थकी, थोड़ी नींद थकी, पर मज़ा आ रहा है। मैं बात नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरे पे बहुत अच्छा प्लास्टिक का पैक लगा। सॉरी बट थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड लविंग। मैं रखूँ रख बेटा, फ्रेशली पेंटेड है। ये देखिए मेरे साथ क्या ज्यादती हो रही है, मतलब मेरा जैसे वो चमड़ा उधेड़ना बोलते हैं। देखो ये दोनों देवरानी मेरे जा जा तो ये मेरा चमड़ा उधेड़ रही है। तो ये कहावत सत्य होती है मेरी देवरानी मुर्गी में। धन्यवाद मेरा खाल खींचने की। तो 6 से 6 हो गए और साइली मैम अब तक यहीं पे है। बीच का पार्ट मैं नहीं दिखा पाई थी, वो दिखाने लायक नहीं था। आई मीन दिखाने लायक मतलब मैम को थोड़ा हम लोग पैम्पर कर रहे थे, सो मैम थोड़ा सा विश्रांति अवस्था में थी, बहुत देर हो गया तो चाय से पोहा तक। आयुष्य खूब चटके वस्ता पण ठीक आहे, ते चटके चांगले आणि मला खूप पोहे दिले तुम्ही थोडं तरी कोणतरी शेअरिंग। आज के इस अमेजिंग डे के लिए सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी मैं बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को जिन्होंने आज का दिन इतना सुंदर और इतना स्टनिंग बनाया मेरा। तो साइली कुलकर्णी, सरोनी शेलकर पाटिल और वैष्णवी जिन्होंने आज के लिए मुझे अपना सुंदर सा फेस दिया और उनकी ज्वेलरीज ने बहुत चार चांद लगा दी। कुछ ज्वेलरी मेरी थी और कुछ उनकी थी, सुंदर रहा, बहुत अच्छा दिन रहा। उसके बाद फ़ोटोशूट के लिए हमारे कृष्णा तुंगे जो कि बहुत अच्छा फोटोग्राफी कर रहे हैं, अच्छा काम करे और ब्लेस यू कृष्णा। उसके बाद मेरी टीम, अमेजिंग टीम, इसमें सबका नाम आपको सबको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो पता कर लीजिए, आगे पीछे देख लीजिएगा मेरे ब्लॉग्स को या फिर मेरे चैनल को ताकि आपको उनका नाम पता चल जाए। मेरी टीम, अमेजिंग टीम, मेरे स्टाफ, देन मेरे स्टूडेंट्स, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट किया, इसलिए आज का दिन अच्छा रहा। थैंक यू सो मच भगवान जी, इतना अच्छा दिन दिखाएंगे और कल वापस एक अच्छा दिन आने वाला है क्योंकि कल हम जैसे कि मैंने कहा कि कहीं जा रहे हैं, उसका ब्लॉग रेडी है, आई मीन रेडी हो जाएगा, ये ब्लॉग को अभी फटाफट एडिट करते। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, आई लव यू, बाय बाय।